हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 26 मार्च से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1780 ईस्वी में आज ही के दिन ब्रिटेन के अखबार ब्रिट गैजेट और संडे मॉनिटर पहली बार रविवार के दिन प्रकाशित हुए थे। सन 1907 ईस्वी में आज ही के दिन हिंदी कवित्री और हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक माधवी वर्मा का जन्म हुआ था। सन 1953 ईस्वी में आज ही के दिन डॉक्टर जोनास साल्क ने पोलियो से बचाव के लिए नए टीके की खोज की घोषणा की थी। सन 1971 ईस्वी में आज ही के दिन शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश घोषित किया था, इसलिए आज के दिन बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाता है। सन 1972 ईस्वी में आज ही के दिन तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन किया था। सन 1973 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन किया था, जिसे चिपको आंदोलन कहा गया। सन 1973 ईस्वी में आज ही के दिन गूगल के सह संस्थापक और कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी पेज का जन्म हुआ था। सन 1973 ईस्वी में आज ही के दिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 200 साल पुराने इतिहास को तोड़ते हुए पहली बार महिलाओं को भर्ती किया गया था। सन 1975 ईस्वी में आज ही के दिन जैविक हथियार संधि अस्तित्व में आई थी। सन 1979 ईस्वी में आज ही के दिन इसराइल और मिस्र ने 30 वर्ष से जारी युद्ध को विराम देते हुए अमेरिका द्वारा कराए गए एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर सहमति जताई थी। वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में हुए इस समारोह का लाइव प्रसारण किया गया था। सन 1992 ईस्वी में आज ही के दिन हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन माइक टाइसन को बलात्कार के आरोप में 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई थी। सन 2006 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय राजनीतिज्ञ अनिल विश्वास का निधन हुआ था। सन 2012 ईस्वी में आज ही के दिन कनाडा के फिल्म निर्माता जेम्स कैमरन 50 साल की उम्र से अधिक समय में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप का दौरा करने वाले सबसे बुजुर्ग पहले व्यक्ति बने थे। सन 2017 ईस्वी में आज ही के दिन चिली में देश के निजीकृत पेंशन प्रणाली पर व्यापक विरोध हुआ था। सन 2017 ईस्वी में आज ही के दिन कैरी लैम बीजिंग प्रभावित निर्वाचन आयोग द्वारा हांगकांग का नेतृत्व करने वाली पहली महिला चुनी गई थी। सन 2018 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग ने पुष्टि की कि वह गोपनीयता की चिंताओं पर फेसबुक की जांच करेगा। सन 2019 ईस्वी में आज ही के दिन इंटरनेट कंपनियों द्वारा किए गए कॉपीराइट उल्लंघन के कारण यूरोपीय संसद में कॉपीराइट कानूनों में बदलाव के लिए वोट किया गया था। सन 2019 ईस्वी में आज ही के दिन मिशेल ओबामा की जीवनी बिकमिंग के प्रकाशक वर्टेल्स मैन के अनुसार जीवनी की 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची गईं। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन बेरोजगारी भत्ते के लिए अमेरिकों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज हुई थी, अमेरिकी श्रम विभाग के अनुसार 3.3 मिलियन बताई गई थी। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन क्राइस्टचर्च मस्जिद बंदूकधारी ब्रेंटन टेरेंट को न्यूजीलैंड में सभी 51 हत्याओं के लिए दोषी पाया गया था। तो ये थी आज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।